नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका रिजाइन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में देखना है एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। जैसे मैंने पहले भी कुछ वीडियो में कहा है कि ये जो सब्जेक्ट है मतलब दो पार्ट में डिवाइड है, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक में। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोलिक रहेगा वैसे ही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आपका न्यूमेटिक रहेगा। फिर उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक रहेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम रहेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम रहेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम रहेंगे। ऐसे टोटल दोनों भी पार्ट ऑलमोस्ट सेम है, तो आपको क्या करना है उसी हिसाब से आपको पढ़ाई भी करनी है। तो आज के वीडियो में देखना है एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। तो मैंने उसको कुछ ऐसे लिखा है यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, उसमें एप्लीकेशन लिखा है मशीन टूल, कंस्ट्रक्शन फील्ड, मटेरियल हैंडलिंग, ऑटोमोबाइल, ऐसे लिखा है। और उसके सामने हर एक का एक एक दो दो एग्जाम्पल्स लिखा है। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में ये हेडिंग्स लिख के उसके अंदर के एग्जाम्पल सीखने हैं। तो अभी पहला जो एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक का वो क्या है, मशीन टूल। उसमें सीएनसी बीएमसी लिखा है। जैसे आपको पता है कि सीएनसी बीएमसी का मशीन का स्पिंडल है या आपके जो फिक्सर्स रहते हैं जहाँ पे आप जॉब माउंट करते हैं वो हाइड्रोलिकली ऑपरेट होते हैं, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल हुआ। उसके बाद प्रेसेस में मैकेनिकल प्रोसेस रहते हैं, हाइड्रोलिक प्रोसेस रहते हैं। मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर से फ्लाईव्हील को रोटेट करके आपका रैम ऊपर नीचे किया जाता है। लेकिन हाइड्रोलिक प्रेस में क्या होता है, बाय द यूज ऑफ ऑयल वो ऑपरेट करते हैं। उसके बाद हाइड्रोलिक शेपर, ये इंडस्ट्रियल के एप्लीकेशन, उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन रहेंगे लेकिन मैंने यहाँ पे तीन एप्लीकेशन लिखे हैं। फिर उसके बाद है कंस्ट्रक्शन फील्ड। कंस्ट्रक्शन फील्ड में एक्सकेवेटर्स है, जेसीबी है, फिर उसके बाद डोजर्स है, लोडर्स है, टिप्पर है, जहाँ पे आप देखा होगा हाइवा, उसको कॉमन वर्ड्स उसको हाइवा यूज़ करते हैं अपने यहाँ पे। उसके बाद मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। मटेरियल हैंडलिंग में क्या है, एलिवेटर्स है, जो आपके एलिवेटर्स है उसको ऊपर हाइड्रोलिक का पावर पैक रहता है, उससे वो क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। कुछ एलिवेटर्स इलेक्ट्रिकल भी रहते हैं। फिर उसके बाद फोर्कलिफ्ट आपको पता होगी, मैं यहाँ पे इमेज भी दे दूंगा। ऊपर उसके दो टीथ रहते हैं, उससे आप क्या करते हो, उसको लोड लिफ्ट करते हो, किसी जगह पे रखना है तो रख सकते हो। फिर उसके बाद क्रेन है, जो क्रेन का भी इमेज मैं यहाँ पे दे दूंगा। उसके बाद ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, मैकेनिकल ब्रेक होते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक्स का यूज़ होता है। फिर उसके बाद पावर स्टीयरिंग, आप कहते हो कार को कि ये कार पावर स्टीयरिंग है। पावर स्टीयरिंग मतलब क्या, वो हाइड्रोलिकली ऑपरेट होती है। सस्पेंशन, हाइड्रोलिक सस्पेंशन, हाइड्रोलिक क्लच, हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर। उसके बाद एरोस्पेस। एरोस्पेस में क्या होता है, आपने देखा होगा प्लेन जब लैंड होता है तो वहाँ से नीचे से उसके ये आते हैं, व्हील्स आते हैं, वो जो लैंडिंग गियर्स होते हैं उसको हाइड्रोलिकली ऑपरेट किया जाता है। फिर उसके बाद फ्लैप, जो विंग्स रहते हैं एरोप्लेन के, उसके ऊपर कुछ फ्लैप्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, आपका जो एरोप्लेन है उसका डायरेक्शन चेंज करने का, स्पीड कम करने का ये काम करते हैं। उसको फ्लैप भी क्या होते हैं, मैकेनिकली मतलब हाइड्रोलिकली ऑपरेट होते हैं। उसके बाद मेडिकल इक्विपमेंट्स है, डेंटल चेयर देखा होगा आपने, उसके बटन से वो ऑपरेट होती है। तो ओटी टेबल, ऑपरेशन का जो टेबल रहता है उसको अगर हाइट एडजस्ट करनी है तो हाइड्रोलिकली ऑपरेट होता है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर में हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, सीडिंग मशीन, ये सारे का किस में आता है, आपके हाइड्रोलिक के एप्लीकेशन में आता है। मरीन फील्ड, ये इतने एप्लीकेशन से हाइड्रोलिक के। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।